इस वीडियो में कुछ ऑल्ट कॉइन्स अपडेट हैं, जैसे कि थेटा टोकन हो गया, शिबा इनू कॉइन हो गया, कार्डानो हो गया, और उसके अलावा मैं कुछ ऐसे ब्रांड्स का पार्टनरशिप कवर करना चाहूँगा जो मुझे लगता है कि नेक्स्ट 1 से 2 या 3 महीने में मिलियंस ऑफ लोगों को क्रिप्टो से इंट्रोड्यूस करने वाला है। ऐसे पार्टनरशिप जो कंपनीज कर रही हैं, राइट, जैसे कॉइन DCX हो गया एंड कॉइन बेस इंडिया में आ रहा है, तो बहुत कुछ हो रहा है क्रिप्टो में और ये सब आपको काफ़ी फ़ायदा देगा इन द लॉन्ग टर्म बिकॉज आप अर्ली इन्वेस्टर हो, जबकि 90% ऑफ द वर्ल्ड अभी भी क्रिप्टो में एंट्री मारने की कोशिश कर रहा है। सो लेट्स स्टार्ट विद द मार्केट फर्स्ट। सो मार्केट आज बिटकॉइन 35537 पे ट्रेड हो रहा है और बिटकॉइन ऑफकोर्स 2-3 दिन से काफ़ी वीकली देखोगे तो ऑलरेडी 10% अप है और ऑल्ट कॉइन्स भी सिंपली उसको फॉलो कर रहे हैं। इथेरियम भी 2300 के आसपास गया है, बाइनांस 300 वापस क्रॉस कर दिया है, कार्डानो 1.44 पे है और उसके लिए ऑफकोर्स स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अभी लॉन्च हो रहा है अगस्त में, तो ये काफ़ी बुलिश बना देता है कार्डानो पे। पूरा डीफाई इकोसिस्टम कार्डानो पे आने वाला है। सो ओवरऑल मार्केट काफ़ी अच्छी है। लेट्स टॉक अबाउट दिस इंडिविजुअल ऑल्ट कॉइन। सो थेटा नेटवर्क के बारे में जो मैंने आपको 2-3 महीने से अपडेट दे रहा था कि इनका मेन नेट 3.0 लॉन्च होने वाला है और ये ऑलरेडी लॉन्च हो गया। अब यहाँ पे टी फ्यूल स्टेक होगा। सो बेसिकली अगर आपको पता होगा कि थेटा नेटवर्क है क्या, थेटा नेटवर्क इज़ अ वीडियो डिलीवरी प्लेटफॉर्म। मुझे लगता है कि कुछ सालों में आप देखोगे जो जो मोस्टली जो वीडियोस कंज्यूम की जाएंगी और स्ट्रीम की जाएंगी उसमें थेटा नेटवर्क का बहुत बड़ा हाथ होगा, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। और इन्होंने बेसिकली थेटा नेटवर्क पास 2 टोकन है। सो एक थेटा टोकन है जो 6.37 पे ट्रेड हो रहा है और उसके अलावा टी फ्यूल है 0.38 पे ट्रेड हो रहा है। टी फ्यूल मेनली ट्रांजैक्शंस के लिए काम आता है। अगर आप थेटा नेटवर्क के कोई आप वीडियो देखते हो तो टी फ्यूल आप अर्न करते हो और थेटा नेटवर्क गवर्नेंस के लिए काम आता है, तो ये काफ़ी गुड न्यूज़ है। उसके अलावा थेटा नेटवर्क विल ऑल्सो बी यूज फॉर NFT, राइट। और यहाँ पर इन्होंने बताया है कि इन्होंने एक पार्टनरशिप किया है केटी पेरी के साथ। नाउ ये बहुत बड़ी पार्टनरशिप है अगर देखा जाए तो, क्योंकि केटी पेरी एक ऐसी सेलिब्रिटी हैं जो जिनके पास अराइंड 108 मिलियंस फॉलोअर्स हैं। नाउ 108 मिलियंस फॉलोअर्स को आज थेटा नेटवर्क के बारे में मालूम पड़ रहा है क्योंकि इन्होंने ट्वीट किया था, एक्साइटेड एंड क्यूरियस टू बी लॉन्चिंग माई फर्स्ट एवर NFTs लेटर दिस ईयर ऑन थेटा नेटवर्क, लुक आउट फॉर द मेमोरेबल एंड क्रिएटिव मोमेंट्स फ्रॉम माई रेसिडेंसी। नाउ एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि NFT जो है, जो जिनका क्रिप्टो से कुछ लेना देना नहीं है उनको भी क्रिप्टो में इंट्रोड्यूस करेगी, क्योंकि यहाँ पर सेलिब्रिटीज़, डिजिटल आर्टिस्ट अपना आर्ट क्रिएट कर सकते हैं और उनके जो फैंस हैं, उनके जो जो आर्ट एडमायरर हैं उनको परचेज कर सकते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा अनाउंसमेंट है मेरे हिसाब से, क्योंकि जब ऐसे ऐसे सेलिब्रिटीज़ लोग जब अनाउंसमेंट करते हैं क्रिप्टो प्रोजेक्ट के बारे में तो ये ऐसे लोगों को भी क्रिप्टो मिल के आता है जिन जो अभी तक क्रिप्टो से दूर थे, राइट। और फिर एक बार आप क्रिप्टो में आ गए तो आपको ऑफकोर्स आपको बिटकॉइन, ईथर और बाइनांस कॉइन जो भी है पूरे इकोसिस्टम का मालूम पड़ता है। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा स्टेप है थेटा नेटवर्क के लिए भी और ओवरऑल क्रिप्टो इकोसिस्टम के लिए। कार्डानो के लिए अपडेट है कि कार्डानो आपको पता ही होगा, इनका अलोंजो जो टेस्ट नेट है, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जिससे अप्लाई हो जाएगा कार्डानो पे, ये अगस्त तक लॉन्च होने वाला है, राइट। और इन्होंने टेस्ट नेट पे काम चालू कर दिया है। और एक जो प्रोडक्ट जो मुझे मालूम पड़ा अभी रिसेंटली इज संडे स्वाप। सो संडे स्वाप क्या है? संडे स्वाप वही यूनी स्वाप जैसा है, पैनकेक स्वाप जैसा है जो कार्डानो पे लॉन्च होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं डीफाई प्रोजेक्ट्स जो कार्डानो पे काम करना चालू कर देंगे। तो अगेन ये कार्डानो के लिए काफ़ी बुलिश है और एट द सेम टाइम डीफाई इकोसिस्टम में फार्मिंग करने का, लिक्विडिटी प्रोवाइड करने का, अर्न करने का भी एक अपॉर्चुनिटीज़ देता है जो काफ़ी लोग इथेरियम पे नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज इथेरियम की गैस भी बहुत ज़्यादा है। ऑफ कोर्स आज ऑप्शंस हैं जैसे पॉलीगॉन है और बाइनांस है, बट अगेन कार्डानो का इकोसिस्टम भी बहुत बड़ा है, कम्युनिटी बहुत बड़ी है, तो आई थिंक इसका भी फ़ायदा इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को डेफिनेटली मिलेगा। शिबा इनू के बारे में क्या अपडेट है? तो शिबा इनू अगर आप रिसेंटली देखोगे तो, बाय द वे शिबा इनू एक ऐसा टोकन है जिसके पहले मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ और मैंने जब ये बेसिकली पम्प हुआ था 40,000%, और मैंने इस वीडियो में बेसिकली बताया था कि कैसे इनका पूरा इकोसिस्टम है, ये कोई डोज कॉइन जैसा नहीं है। यहाँ पे सीबा शॉप लॉन्च कर रहे हैं, यहाँ पे NFTs लॉन्च कर रहे हैं, तो ये इट्स इट मे बी अ मीम कॉइन बट इनके पास पूरा इकोसिस्टम है।
तो अभी रिसेंटली इनका जो सर्टिक कंपनी है, ओके, तो सर्टिक जो है शिबा स्वाप को ऑडिट कर रही है। अगर आप देखोगे तो ये होता क्या ऑडिट, इसका करने का मतलब, कहने का मतलब क्या है? सो जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं दे शुड बी सिक्योर्ड एंड दे हैज़ टू बी ऑडिटेड, क्योंकि अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कोई बग हुआ तो प्रॉब्लम हो सकती है, फंड लॉस हो सकता है, कोई अगर उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर नहीं है तो कोई भी उसको हैक कर सकता है। तो सर्टिक जो कंपनी है ये काफ़ी बहुत सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑडिट करती है, अगर आप इनके वेबसाइट पे जाओगे तो देखोगे पैनकेक स्वैप इन्होंने ऑडिट किया है, अवे, वन इंच, बाइनांस, पैक्सोस, तो अब ये लोग सीबा स्वैप भी ऑडिट कर रहे हैं। इन द प्रोसेस है, अभी इन प्रोग्रेस, आप देख रहे हो यहाँ पे इन प्रोग्रेस अंडर असेसमेंट बाय द एक्सपर्ट। सो ओवरऑल ऑल आई एम जस्ट सेइंग दैट अगर आपके पास शिबा इनू है तो आप इसको डेफिनेटली होडल करो, मुझे लगता है कि ये कुछ कर सकता है। इसके अलावा आपको याद ही होगा कि कॉइन बेस ने भी शिबा इनू को लिस्ट कर दिया है, हालांकि यहाँ पे ट्रेड नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो आप सोचो कि इतने बड़े बड़े एक्सचेंज, आई मीन बाइनांस, FTX, Crypto.com, इन लोग ने तो एक साथ में ही लिस्ट कर दिया था, अब कॉइन बेस ने भी लिस्ट कर दिया है, तो काफ़ी बड़ी न्यूज़ हो सकती है शिबा इनू के लिए आगे वाले आने वाले समय में। अगर आपके पास है तो आई थिंक इट्स वर्थ होल्डिंग। दूसरी चीज़ यहाँ पे कॉइन बेस को लेके है, तो कॉइन बेस की बात ही कर ही रहे हैं हम। तो कॉइन बेस आपको पता है कि USA का बहुत बड़ा एक्सचेंज है, और उनके CEO ने ट्वीट किया था ब्रायन आर्मस्ट्रांग दैट कॉइन बेस इज़ बिल्डिंग आउट एन ऑफिस इन इंडिया, अमेजिंग टीम ऑलरेडी इन प्लेस, कम जॉइन अस, दिस इज़ अ वेरी बुलिश न्यूज़ फॉर इंडिया। आई एम श्योर इनको कुछ तो सिग्नल मिला होगा, इनको कुछ तो, क्योंकि अदरवाइज़ ये एज अ कंपनी इतना स्पेंड नहीं करेंगे इंडिया में, राइट, ऑफिस नहीं बिठाएंगे इंडिया में। आई एम श्योर इनको कुछ तो न्यूज़, पॉजिटिव न्यूज़ मिली होगी इंडिया से कि इंडिया में क्रिप्टो रेगुलेट होने वाला है, राइट, एंड दिस इज़ वाई दे हैव बॉट एन ऑफिस। और इनके पास काफ़ी पोजिशन है, फॉर एग्ज़ाम्पल काफ़ी लोग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ऑलरेडी इनके पास है, जैसे कोई किसी को अप्लाई करना है तो कस्टमर एक्सपीरियंस, डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, बैक एंड, डेटा, राइट। सो ये काफ़ी गुड न्यूज़ है इंडिया के लिए भी कि बाहर की कंपनीज़ भी यहाँ पे आना चाहती हैं, बिजनेस एक्सपांड करना चाहती हैं, एंड ऑफ कोर्स इसका फ़ायदा पूरे क्रिप्टो इकोसिस्टम को मिलेगा और इंडिया को भी मिलेगा। दूसरा चीज़, इंडिया का एक्सचेंज कॉइन DCX, इन्होंने बहुत ही बड़ा मूव किया है, इन्होंने बेसिकली जो T20 मैच होने वाला है श्रीलंका और इंडिया के बीच में, राइट, सो आप आई थिंक इंडिया इज़ ऑन अ टूर ऑफ श्रीलंका, राइट, तो इन्होंने कॉइन DCX इज़ वन ऑफ द मेन स्पॉन्सर ऑफ दिस टूर्नामेंट, गाइस, आई मीन दिस इज़ रियली बिग। कॉइन DCX बिकम्स अ टीम श्रीलंकाज ऑफिशियल स्पॉन्सर फॉर श्रीलंका वर्सेस इंडिया T20 सीरीज, और T20 आपको मालूम है कितना पॉपुलर है इंडिया में, और जब T20 के मैचेस देखेंगे लोग इंडिया वाले, और जब उनको देखेगा कॉइन DCX का लोगो, सो आई थिंक ये काफ़ी काफ़ी लोगों को कॉइन DCX पे साइन अप करवाएंगे, काफ़ी नए यूज़र्स आएंगे। और कॉइन DCX के बारे में पर्सनली मेरे को एक बात अच्छी ये भी लगती है कि इनके पास दो ऐप है, जिसके पहले मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि एक कॉइन DCX गो है और एक कॉइन DCX, सो जो नए लोग हैं वो कॉइन DCX गो पे बाय करते हैं, जहाँ पे बेसिकली बाय एंड सेल है और इजी टू यूज़ है, और जो एक्सपीरियंसड हैं उनके लिए कॉइन DCX है। तो anyway, आई थिंक दैट ये इवेंट के बाद, ये T20 सीरीज़ के बाद कॉइन DCX पे काफ़ी लोग साइन अप करने वाले हैं। और क्रिकेट की बात हो गई, यहाँ पे Crypto.com ने अगेन F1 के साथ पार्टनरशिप किया है, इन्होंने बोला कि वी आर एक्सट्रीमली एक्साइटेड टू अनाउंस दैट Crypto.com इज़ द न्यूएस्ट ग्लोबल पार्टनर ऑफ F1। नाउ आपको पता है कि F1 है क्या? पहली बार F1 ये जो रेस, ये मिलियंस ऑफ लोग फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड ये देखते हैं, और ये काफ़ी एलीट रेस मानी जाती है, काफ़ी लोग इसको बहुत क्लोजली वॉच करते हैं, एंड जितने भी व्यूअर्स हैं, मिलियंस ऑफ लोग अब यहाँ पे Crypto.com का लोगो देखेंगे, क्योंकि Crypto.com यहाँ पे मेन यहाँ पे स्पॉन्सरशिप होने वाला है इनका, राइट, सो दिस इज अगेन विल ब्रिंग मिलियंस ऑफ पीपल इनटू क्रिप्टो वंस अगेन। द लास्ट थिंग जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि विच इज़ दिस, द फेसबुक। नाउ रिसेंटली एक न्यूज़ आया था कि फेसबुक हैज़ बिकम $1 trillion कंपनी, ओके, सो इट इज़ अ 1 trillion मार्केट कैप नाउ फेसबुक। नाउ मैं आपके साथ क्यों शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि फेसबुक ऑफकोर्स डिसेंट्रलाइज नहीं है, इनका कोई टोकन नहीं है। द रीज़न आई वॉन्ट टू शेयर दिस इज़ बिकॉज इमेजिन फेसबुक का जो मार्केट कैप है 1 trillion है। आज हम लोग जो बहुत सारे प्रोटोकॉल्स देख रहे हैं, बहुत सारे यहाँ पे ऐप्स देख रहे हैं, राइट, उनके पास टोकन है। फॉर एग्जाम्पल
आप इथेरियम का देख लो, इथेरियम टोकन है जिसकी मार्केट कैप अभी 271 बिलियन है। इमेजिन अगर यहाँ पे फेसबुक होता और यहाँ पे FB टोकन होता और उसकी मार्केट कैप 1 ट्रिलियन होती, और फिर अगर आपके पास FB टोकन होता तो उसकी कितनी प्राइस होती, उसका क्या वैल्यू होता, राइट? बट वो टाइम पे डिसेंट्रलाइजेशन नाम का कोई चीज़ नहीं था, ब्लॉकचेन नाम की कोई चीज़ नहीं थी जब फेसबुक लॉन्च हुआ। तो बट जो यूज़र्स हैं, लाइक आई एम श्योर आप भी फेसबुक के यूज़र्स हैं, आपने लाइक किया है, शेयर पोस्ट किया है, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है, आपने काफ़ी टाइम यहाँ पे फेसबुक बिताया है, बट आपको क्या मिला? कुछ भी नहीं। बट यू नो फेसबुक इज़ $1 ट्रिलियन मार्केट कैप बिकॉज ऑफ द यूज़र्स, राइट? सो नाउ ये जो फेसबुक है, जो नेक्स्ट फेसबुक है, जो नेक्स्ट ट्विटर है, जो नेक्स्ट अमेज़ॉन है, जो नेक्स्ट यू नो ये सब एप्लीकेशंस हैं, वो अब टोकन के थ्रू बन रहे हैं, डिसेंट्रलाइज वे में बन रही हैं, ब्लॉकचेन पे बन रही हैं। तो अगर आपके पास इनका टोकन्स हैं तो हम लोग काफ़ी लकी हैं और हमारे पास ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि नेक्स्ट $1 ट्रिलियन मार्केट कैप का हिस्सा बनने का, यू नो नेक्स्ट $1 ट्रिलियन। ऑफकोर्स बिटकॉइन भी $1 ट्रिलियन अभी टच किया था आई गेस, राइट? या $1 ट्रिलियन टच किया था। इमेजिन इथेरियम $1 ट्रिलियन टच करे, इमेजिन बाइनांस $1 ट्रिलियन टच करे, राइट? सो यू गेटिंग द पॉइंट आई एम सेइंग दैट द नेक्स्ट फेसबुक, द नेक्स्ट अमेजोन विल बी फ्रॉम दिस टोकन, एंड अगर आपके पास वो टोकन है तो आपको उसका काफ़ी फायदा मिल सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लेट मी नो आपका क्या ख्याल है, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।